हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरीन, थोड़ा सा फनी। शेर सो रहा है। शेर, तू सो रहा है? शेर, शेर सच में इसकी साइज इतनी बड़ी हो गई है ना अब तो कि एक बार के लिए शेर ही लगता है। लेकिन बॉब भाई, बॉब है, बॉब की जगह कोई नहीं ले सकता। क्यों बॉब? बॉब हाँ बोल रहा है। देखा, इतना इमोशनली भी इतना अच्छा है ना भाई मेरा। इसको मैं ना पूरा ऐसा कचुम्बर कर देता हूँ एनी टाइम। मेरे को उस पर इतना प्यार आता है ना, ऐसे ऐसे करता हूँ। तो जब भी अब से मैं उसके नज़दीक जाता हूँ तो करने लग जाता है। लेकिन करता कुछ नहीं है, उसको पता है कि मैं उसका जो हूँ जी। चलो सर, अभी नहा धो लेते हैं, उठते हैं और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। बाकी व्लॉग तो ऑलमोस्ट एडिट हो ही है, अभी जस्ट डालना ही है। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज ज्यादा काम नहीं, लेकिन मेरे को रील शूट करना है मेन। बहुत तगड़ा वाला रील लिखा है मैंने। रील तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई। ये मेरे अब से जो रील आ रहा है ना, वो बहुत खतरनाक आ रहा है, बहुत मस्त आ रहा है। हाँ भाई। हाँ भाई, कहाँ है? कुछ नहीं है, खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, खेलने जा रहा है? क्या इनाम मिल रहा है? बस ऐसे ही खेलते हैं, मजा आता है। अबे ये मजा डबल हो जाएगा जब खेलने के साथ तू लाखों जीत पाएगा। मतलब? अरे ये देख भाई, ये है इंडिया का अपना गेम। इसमें तुम सिर्फ 10 मिनट की गेम खेलकर लाखों जीत सकते। क्या बात कर रहा है भाई, ये एक स्किल बेस्ड गेम है। इसके अंदर तू कैजुअल गेम्स जैसे कि लूडो, स्नेक्स, लीडर्स ऐसे गेम्स खेल सकता है। हाँ, ये गेम सेफ तो है ना? अरे भाई 100% सेफ एंड सिक्योर गेम है। ये देख, अभी थोड़ी देर पहले तेरे सामने मैं 40,000 रुपए जीता। 40,000? और अब ये इंस्टेंट कोई भी UPI से मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे अभी के अभी। ओ। और भाई इसमें जो भी TDS या फिर GST का चार्जेस लगेगा ना, वो तेरे अकाउंट में कैशबैक आ जाएगा। भाई ये सब तो ठीक है, पर मिनिमम डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा? भाई मिनिमम 10 रुपीज का डिपॉजिट तू कर सकता है और 1 रुपए से खेलना स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, और इसके अंदर तुझे खेलने के लिए 7 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स मिल जाएंगे। इसको डाउनलोड कहाँ से करना है? सिंपल भाई, ये गेम तू zuppi.com पे से डाउनलोड कर सकता है। और भाई तू ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे से अगर ये गेम डाउनलोड करता है तो तू मेरा कूपन कोड डाल सकता है और उसमें तुझे 10 रुपए का बोनस भी मिलेगा। भाई मुझे 10 रुपया मिल रहा है तो तेरी लिंक पे से ही डाउनलोड करूंगा ना, अब भी डाउनलोड करता हूँ। तो आप भी किस बात का वेट कर रहे हो? आप भी ऐसे गेम खेल कर बड़े बड़े इनाम जीतना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करो और आज ही खेलना स्टार्ट करो। जय श्री राम। भाई आप सबने नोटिस किया होगा कि ये जो भी 22 जनवरी तक का सेलिब्रेशन था श्री राम का, तो उसमें इतने सारे ये ऑरेंज कलर के भगवे आपने देखे होंगे। लेकिन अब क्या, अब यहाँ पे बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे ये हम सबको ध्यान रखना है कि ये इसकी इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी हम अपने तिरंगे की करते हैं। मतलब कहीं पे भी गिरा हुआ दिखे तो हम फटाक से उठा लेंगे कि अपने घर पे रख दो, संभाल के निकाल के रख दो, वो अपने आप निकल जाए उसके पहले, क्योंकि हर जगह देखो वही दिख रहे हैं। तो भाई ये विरल की शॉप है, V1 स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जहाँ पे जिम की सारी सप्लीमेंट्स और सारी चीज़ें मिलती है। जिम के रिलेटेड जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन पाउडर्स, तो जिम के सप्लीमेंट्स में जो भी चीज़ें आती है वो सारी इधर मिलती है। जो आपको भी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ आके ले सकते हैं, या फिर मैं कॉन्टैक्ट नंबर देने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर भी इंक्वायरी करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको अगर कुछ पूछना हो कि ये सामान है कि नहीं, फिर लेने आना हो। गुड मॉर्निंग, सो आ चुके हैं ऑफिस और आज भाई मैं टिफिन लेके आया हूँ। मैं टिफिन नहीं लाता, बहुत कम लाता हूँ, कभी कभी लाता हूँ जब मुझे लगता है मेरे घर पे बना हुआ मैं ख़त्म कर पाऊँगा तब लाता हूँ, क्योंकि रहता है ना भाई, खुद के घर का उतना पसंद नहीं आता लेकिन दूसरों के घर का बहुत पसंद आता है। तो ये सारों के टिफिन में से मैं खा लेता हूँ। मेरे को ये मेरे घर पर जो सब्जी मैंने कभी टच भी नहीं की होती वो यहाँ पर इन लोग की बहुत पसंद आती है, तो आज मैं लाया हूँ भाई। हाँ बाल कटवाने हैं मेरे को पता है, लेकिन एक सीरीज़ जो हमारी चल रही है कमीने फ्रेंड्स पे, उसका थोड़ा सा पार्ट शूट करना बाकी है। 2 दिन का शूट बच गया है, उसमें हमने पहली बार पूरा शूट कंटिन्यू किया था 5 दिन, लेकिन फिर भी 2 दिन का शूट बच गया है क्योंकि पूरी सीरीज एक साथ की थी ना, सो दैट्स व्हाई। उसके बाद बाल कटवाऊंगा। श्री राम साक्षात पधारे भाई, डेली व्लॉग चालू कर दिया अपन ने, पता है कि नहीं तेरे को? अच्छी एक्टिंग किया, तेरे को पता तो है ही? मेरे को नहीं पता है भाई। हैं? सच में तेरी माँ की कसम। हाँ तू बोले उसकी कसम, मेरे को नहीं पता। चालू कर दिया साले, तो देखना। तीन दिन हो गए भाई। अच्छा पता नहीं है इतना कितना बिजी है। अच्छा ना भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स यार, अभी तो ये कितना बिजी है बोल रहा है, इसको पता ही भी नहीं है कि डेली व्लॉग स्टार्ट कर दिया उसने। मैंने गजब भाई, गजब है यार, बहुत बिजी है।
भाई अपना वो कैफे वाला काम बाकी है, मतलब एक इधर हम सीक्रेट प्लेस बना रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको बताएंगे। कैफे बन रहा है हमारा, स्टूडियोज एंड ऑल यार। जैकेट ही नहीं मिला मेरे को। ठंडी गई, ठंडी का जैकेट लेके क्या करेगा। अच्छा ठंडी के जैकेट पे से याद आया, ठंडी के जैकेट वाला कोई वीडियो बना रहा था कोई बंदा, पता नहीं अभी वो जैकेट का वीडियो ही रह जाएगा क्या, याद बन करे, या फिर अगले साल भी आ सकता है। कैसे तू बोल देता है आएगा, तूने अभी स्टार्ट भी नहीं किया एडिट करने का। भाई मेरा टिफिन वहां से लेके आना, मेरा टिफिन, ये टिफिन नहीं बोलते, इसका डब्बा बोलते हैं। उसमें हैवी वाली चीज है, रहने दे तू। चलो भाई सब आ गए, हैवी वाला खाना। ओह माय गॉड, प्रोटीन शेक्स एंड ऑल। विरल ने डाइट और जिम वगैरह स्टार्ट किया है, तो किसी में से खाता भी नहीं और उसका खाने देता है, मतलब 20% खाने देता है उसका, जैसे कि अभी ये कचुंबर हम खा सकते हैं। अतिथि है ना, मतलब हमारे घर पे सब वो नहीं बनता ना, तो नहीं तेरे को नहीं अच्छा लगता लहसुन, नहीं ये नहीं अच्छा लगता। क्या है लालू में, मूंग दाल। विरल क्या टेस्ट मार तू खा ले भाई, वो सब्जी देख के पता चल गया। और ये मेरा टिफिन है, अभी खा लेते हैं, खाने के बाद मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। घरेलू नुस्खा भाई, देव फीट वाला। ये एक फीमेल जैकेट था लेकिन मुझे बहुत पसंद था, तो ये जैकेट अब लेडीज नहीं रहा, अब जेंट्स बन चुका है भाई। ये उल्टा मत समझना, ये इसमें से निकाला हुआ है, ये देखो अब ये जेंट्स जैकेट बन चुका है। इसके टोपी में ये था, अब ये अब कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, चलेगा। नाइस, थैंक्स ब्रो। ये सारे जैकेट है पड़े हुए अभी तक, क्योंकि ये उर्विल वीडियो बनाने के लिए लाया था, तो अभी हम सब ले ले रहे हैं। फ्रिक का माल 500 रुपए निकालो सबके भाई। जब से मैंने ना ये जैकेट, मतलब ऐसा सोचा था कि रोड पे सबको बेचूंगा। ये तुम्हारी भाभी ने पहना था ये जैकेट, उसने मेरे को बोला था कि अंदर बहुत सारी हैप्पीडेंट है, याद आया भाई। पहन ले, तू भी ले भाई। हाँ भाई तू भी पहन, ऐसा नहीं उर्विल, रैपर आयुष इंद्र, ये तो क्रॉप टॉप है। उर्विल सब गरीबों को दान करने वाला, लेकिन हम सब गरीबों ने ले लिया। अभी हम जाते हैं रील वील शूट करने, तो एकदम हैवी वाला मैं शूट करने वाला हूँ रील आज। वो आइसक्रीम का थोड़ा चस्का लग गया है, तो वो खाने जाएंगे। देव देख भाई फोन देख, ऐसा मस्त चिपका है देख। सो अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। हमको ऐसा ही होता है, कोई भी नई चीज आती है ना, तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा एक वीक तक वो चीज खाते हैं और उसके बाद पैकअप। सही, हमारे यहाँ एक कॉफी वाला है, बहुत जबरदस्त कॉफी, मैं आपको बताऊंगा कभी। उसकी हमने खत्म कर डाला, उसके अंदर जो था, उसके अंदर जो नया नया नयापन था वो खत्म कर डाला। जो काम करना है वही चलते हैं, नहीं तो तेरा बिल लंबा होगा। यहाँ पे एक फ्रूटी की बोतल लेके था ना, तेरे को नहीं चलेगी, तेरे को तो खाली एक टी बूंद जैसा लगेगा फ्रूटी, तेरे को तो कैर बाच ही है। ले उर्विल तेरे लिए एक्स्ट्रा लार्ज साइज। एक्स्ट्रा लार्ज है, तेरे को कौन सी आती होगी? मेरे को तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा 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 लार्ज स्क्वायर। उर्विल इलेक्ट्रिक ब्रश वो पूछ रहा है सबसे। ऑटोमेटिक मतलब ये स्वीप दबाएगा ना, खाली से पकड़ के हिलने लग गया दांत बाद। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, एकदम प्रॉपरली ऐसे अंदर से। तूने यूज किया? यूज नहीं किया मैंने, बहुत पहले यूज किया था। इलेक्ट्रिक ब्रश ले रहा है, लेकिन घर पे तो तू दातुन यूज करता है उर्विल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गाइस हम आइसक्रीम खाने आए थे, आप वो लोग बात क्यों भूल जा रहे हो, ये सब रहने दो। बहुत हैवी डील हुई है, मिडिल क्लास डील, मिडिल क्लास। इसने लालू ने ये सेट लिया दो का, उर्विल ने ये वाला लिया है। हाँ, अभी लालू तो ने डील रखी है, तो लालू बोल रहा है कि एक मेरे को तू ये दे दे और मैं ये दे देता हूँ, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मेरा 280 है, तो 30 रुपए ज्यादा मैं दे रहा हूँ, बराबर 30 रुपए में ज्यादा तो देख लेंगे। 15 रुपए में भाई, तेरे को समोसा के लाद भी लंबे है ना। भाई ये लोग की मेन डील इस लोग, ये लोग ने ऐसी क्यों की पता है? ये देखो ये क्या है, ये गर्ली लुक दे रहा है थोड़ा गर्ली, तब कपल में दांत घिसेंगे ये लोग। ये प्लान है लोग का, सब ठीक है, लेकिन उधर विरल की अलग ही शॉपिंग चल रही है। वो फोन पे पूछ के कर रहा है वो क्या। हाँ। भाई चलना अपन आइसक्रीम खाने आए थे इधर 51 रेनबो में, ये चीज का चस्का लगा है हमको, ये वाली आप लोग एक बार ट्राई करना, फ्री प्रमोशन है। थैंक्स मेरे भाई, सब लाइन में आइसक्रीम लेके आ रहे, देखो सब लाइन में देखो। है ना भाई, कैसा है भाई? अंदर से नीचे से सब आएगा ना, वो है। ये मेरी तरफ से ट्रीट है, कल लालू बोल रहा है उसकी तरफ से। नेक्स्ट
नहीं हो गई, मेरी हो गई भाई। कब हो गई? कैसे हो गई? डोसा किसने खाया भाई? डोसा नहीं, वो अभी से नया, वो तो वैसा तो बहुत है। ले परसों सबका हो जाएगा, लेकिन देव का भाई, देव का कुछ भरोसा नहीं है। Let's go guys, we are shooting something here. So कुछ शूट करना है, वो शूट कर रहे हैं हम यहाँ पे। बहुत धूप है आयुष, तू खड़ा रह जाना सूर्य के आगे। यहाँ पे एक डायलॉग के लिए दोनों लड़ रहे हैं। वीरल को मिल रहा था तो लालू ने ले लिया भाई। ने ज्यादा बोला है वो, ये दिल में देख लेना, कॉमेडी करना ज्यादा ज्यादा आ गया होगा। चेक करो इंस्टाग्राम पे, चेक कर भाई। अभी मस्त रील शूट कंप्लीट हो चुका है, देखना भाई, बहुत मस्त रील बनाया है, क्योंकि मैंने दिल से लिखा है। देव हमारे लिए आज राम स्वरूप है, क्योंकि राम भगवान भी वनवास गए थे, ऐसा ये 6-6 महीने का वनवास पे जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये आ गया बीच में, इसको बीच में टाइम मिलता है। हाँ वो है, वो देव आता है तो मेरा बहुत सारा काम हल्का हो जाता है। आज एक और रील शूट करना है, वो भी बहुत हैवी वाला है, तगड़ा वाला। क्यों? मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है भाई, और यहाँ पे शर्त रहती है कि जो पहली गेम हारता है वो पैरी पैरी फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करता है। तो देखते हैं फर्स्ट गेम में कौन ऑर्डर करेगा आज। आयुष ऑर्डर करेगा आज, ऐसा लग रहा है। होता ना तो सब ऑर्डर उसको ही करना पड़ता, वो हारता ही रहता है ज्यादातर। इस तरीके का जो ये कटर मारता है ना, ये देव मार सकता है हमारे में। बाकी हमने अभी तक ट्राई किया नहीं, होता नहीं, बहुत खराब होता है हमसे तो। क्यों भाई? देव भाई जुवारी है ना, देव जुगा, हाँ ऐसा ही लगता है भाई। इतना खुश हो रहा है भाई, ओलंपिक में कर दिया ऐसा लग रहा है। Let's start game for the French fries. Woo! वाह क्या बात है भाई, ब्लॉग की वजह से मेरी इज्जत रह गई, इतना मस्त आया है। क्या हुआ? देव जीत भी गया भाई। Uno. ये क्या है? मेरी बारी। और बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट गेम आई है और उसमें ये देव से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 यहाँ से 2 2 2 2 2 2 फिर से देव पे आया है। अभी तक का रिकॉर्ड ब्रेक है ये। 14 बत्ते लेने हैं भाई। अभी देखते हैं दूसरी फ्रेंच फ्राइज किसके नाम आती है। विरल क्या बोलना चाहेंगे इस पे? कुछ नहीं, गेम देखेंगे। चलो ये लो। इस बार फ्रेंच फ्राइज मेरे पे भी आ सकती है। दोनों एक ऐसी गेम है ना, इतने पत्ते भी वाला भी जीत सकता है। भाई देखा, ये फ्री हो गया मैं और देव बचे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर आएगा, ये मेरी तरफ से आ गया भाई सबको। Uno win the game। दो इस तरीके से रहता है भाई, यहाँ पे Uno खेलना ना बहुत टेंशन वाला काम है, इजी काम नहीं है यहाँ पे। सो हमारा Uno का कार्यक्रम खत्म होता है। मेरी साइड एक फ्रेंच फ्राइज आई, तालू की साइड एक फ्रेंच फ्राइज आई। मजा आता है ऐसे खेलने में, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। बाकी काम तो भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, इसलिए हमको फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पे एडिटिंग करना है मेरे को, एक रील प्लस ट्रेलर बनाना है हमारे कमीने का, जो भयंकर वीडियो आ रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल है कमीने फ्रेंड्स का, भयंकर वीडियो आ रहा है, उसका ट्रेलर बना के पोस्ट करना है कल। भाई एक बात मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा कि प्लीज ऐसे डायरेक्ट ऑफिस पे मत आइएगा। मैं एक बहुत बढ़िया चीज सोच रहा हूँ जिससे मैं आपके साथ वन ऑन वन बात कर सकूँ। मैं सच में सोच रहा हूँ, मैं कुछ फेकम फेक नहीं कर रहा, वो जल्दी ही 2-3 दिन में रिवील करूंगा, क्योंकि मुझे उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग लगेगा। लेकिन ऐसे अगर आप आ जाओगे ना तो फिर वो चीज नहीं कर पाऊंगा मैं, तो प्लीज ये आप ध्यान रखें। आओगे तो आपको धक्का होगा, जैसे यार आप आओ, इतने दूर दूर से सब आते हैं फिर इधर मिलते नहीं है। कल ही एक लड़का आया था लेकिन नहीं मिल पाए। डांस क्लास चल रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये भाई का इतना बड़ा डांस क्लास चल रहा है फिर भी क्या खा रहा है? चाय और पार्ले जी। ऑफिस में क्लास बना दिया, वो बोला चाय और ये तो वो तो कुछ नहीं भाई, तेरे लिए सब की हम कुर्बान है। अरे भाई रेंट दे देना यार आधा, उसमें क्या हो गया? ऑफिस को क्लास बना, लेकिन ये पार्ले जी क्यों खा रहा है तू? भाई मैंने को पसंद है, मैं पहले से पार्ले जी खाता हूँ भाई। मजबूरी को पसंद बनाना पड़ता है एक टाइम पे आने के बाद। ब्लॉग स्टार्ट हुए तब से पहली बार मैगडी दिखते हुए। पहले जब ब्लॉग मैं करता था तब आपको हर दूसरे दिन मैगडी दिखता था, लेकिन खाता तो उतना ही मैगडी। अभी भी मैं और देव आए हुए, अभी डेट पे लेट हो गया है। ऐसे मैं रोज ऑफिस से लास्ट टू लास्ट 8 बजे तक निकल जाता हूँ, लेकिन जब काम होता है तब तो लेट ही होता है। आज काम 11 बजे ऑलरेडी।